हेलो दोस्तों, मेरा नाम अपर्णा है। मैं एक पर्सनल कोच हूँ और हर हफ्ते लेकर आती हूँ आपके लिए टिप्स, ट्रिक्स, टूल्स एंड हैक्स जो आपके लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते मैंने कंफर्ट जोन के बारे में बात की। मैंने ये भी कहा कि एक फेयर ऑफ अननोन होता है जो अपने रास्ते की रुकावट बन सकती है। मैंने आपके साथ एक फेयर सेटिंग टूल भी शेयर किया है जो आप यूज कर सकते हो आपके डर को डिफाइन करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और रिकवर करने के लिए भी। उसी टॉपिक पे रहते हुए आज मैं आपके साथ 3 टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो आपके इस जर्नी यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जर्नी में मदद मिल सके, और ये सब करूंगी मैं इंग्लिश में। तो चले पहला टिप है स्टार्ट स्मॉल यानी छोटे कदम उठाएं। छोटी सी शुरुआत से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा जो आपको आपके डर के आगे लेके जाएगा। कंफर्ट जोन से पूरी तरह बाहर निकलने के बजाय आप ये सोच सकते हो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं आज के दिन लाइफ में जो आपको अनकंफर्टेबल करती है, और उन चीजों को आपके लाइफ कैटेगरीज के हिसाब से अगर आप फिट करते हो, छोटी सी चेंज आप आज के दिन फिट कर पाते हो, तो उससे आपको आगे जाने की बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये आप कर कैसे सकते हो? पहले तो आप उन चीजों को आइडेंटिफाई करो जो आपको अनकंफर्टेबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके बॉस के साथ कुछ बात करनी है, आपके जॉब के बारे में बात करनी है, आपके केआरए के बारे में बात करनी है, जो भी आपका बड़ा चेंज है आपके लाइफ में, अगर आप वो कर नहीं पा रहे हो, तो उससे उसमें अगर आपका पहला जो स्टेप है वो रहेगा कि आप एक अपॉइंटमेंट ले उनके साथ बात करने के लिए। तो बड़ा सा टास्क को अगर आप छोटे छोटे टुकड़े करते हो और एक एक कदम करके आप चलने लगते हो, तो उससे आपको वो चेंज जो है या फिर वो ओवरकमिंग द फियर जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। और ये अपने आप को आप बताते रहो कि मैं बड़ा सा चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत छोटे छोटे कदम ले रही हूँ, आई एम टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। ये पहला स्टेप हो गया और आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है और आप कल शायद उनके सामने बैठने वाले हो। उससे पहले आप एक और चीज कर सकते हो जो है मेरा स्टेप नंबर 2, लेबल योर इमोशंस, यानी अपने इमोशंस को लेबल करें। कभी कभी जब हम एक नेगेटिव इमोशन से गुजरते हैं, तो वो टाइम पे अगर हम उसे पहचानने लगेंगे और उसे लेबल करेंगे, तो उसे हमको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसे नेगेटिव इमोशन से गुजरते हो, फॉर एग्जांपल आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है और आगे जाके आपको बात करनी है, तो काफी सारे नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, तो उसे अगर आप पहचानने लगोगे और उसको आप लेबल दोगे, फॉर एग्जाम्पल आप ये पूछ सकते हो कि मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ, व्हाट एम आई फीलिंग, और उसे जब आप लेबल देते हो कि आई एम फीलिंग एंग्शियस, कि मुझे अभी एंग्जाइटी हो रही है, मुझे अभी स्ट्रेस फील हो रहा है या फिर मुझे डर लग रहा है, उससे आपको एक रिकॉग्निशन या आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। इसी जगह पे आप फियर सेटिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने डर को लेबल किया तो उसको डिफाइन करना आसान हो जाता है, फिर आपको प्रिवेंशन का स्टेप और रिकवरी का स्टेप भी आप आसानी से कर सकते हो। और आपके बॉस से मिलने से पहले आप अगर ये फियर सिटिंग का एक्सरसाइज करते हो, तो बिलीव मी आप एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आपके बॉस को फेस करोगे, और उसके बाद आपको शायद वो पहला हर्डल जो है वो आप क्रॉस कर चुके हो, तो अभी डर के आगे तो जीत है। थर्ड टिप या तीसरा टिप ये है कि यू शेयर योर फियर्स, या अपने डर के बारे में आप किसी और के साथ बात करो। जब आपके मन में कुछ डर है, तो आप अपने अच्छे से दोस्त, मेंटर, कोच या फिर जो भी आपको गाइड करते हैं उनसे बात करें। इससे 3 चीजें हो सकती है। पहले तो ये है कि जब आप बोलते हो या फिर उसके डर के बारे में बात करते हो, तो पहले तो वो आपके जहन से बाहर आ जाता है, आपका बॉटल्ड अप इमोशंस या फिर जो स्ट्रेस है वो आपके अंदर अभी नहीं रहेगा, इट इज आउट इन दी ओपन। इसके अलावा एक और चीज है कि अभी 2 लोग जानते हैं आपके डर के बारे में, और शायद आप जिससे बात कर रहे हो वो आपको इस डर से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये है कि जब आप शेयर करते हो, तो आप ओवर थिंकिंग मोड पे नहीं जाओगे, क्योंकि जब हम ओवर थिंक करते हैं तो हम नेगेटिव स्टोरीज बनाते हैं अपने दिमाग में और उसको लूप करते हैं, और बोलने से या किसी और से बात करने से हम खुद के लूप नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक दूसरा कोई ऐसा आदमी है जो आपको सुन रहा है और शायद आपको क्वेश्चन भी पूछ रहा है या फिर आपको एडवाइस भी दे रहा है, तो ओवर थिंकिंग जो है वो होने की संभावना बहुत कम है। तो ये है मेरे 3 नुस्खे या टिप्स
पहला टिप है कि आप छोटा शुरू करें, छोटा शुरू करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी और मोमेंटम मिलेगी। दूसरा टिप ये है कि आप अपने इमोशंस को लेबल करें, जिसे साइकोलॉजिकली इसे इफेक्ट लेबलिंग कहते हैं या फिर कॉग्निटिव लेबलिंग कहते हैं। जो आपके इमोशंस आप पहचान लोगे तो उसे कंट्रोल करने में आपको आसानी होगी। तीसरी चीज ये है कि आपके डर के बारे में किसी से बात करें। बात करने से पहले तो आपका मन का बोझ हल्का हो जाएगा और उसके साथ ही साथ आपको कुछ एडवाइस मिल जाएगी या फिर कुछ आपके डर को बाहर निकलने में मदद मिल जाएगी। मैंने आज मेरे फियर फैक्टर को इस वीडियो के जरिए पार किया है, ओवरकम किया है और मुझे पता है कि और बेहतर कर सकती हूँ और मेरी कोशिश जारी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। आप नीचे कॉमेंट्स पर लिख सकते हो या फिर मुझे प्राइवेट मैसेज भेज सकते हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे थम्स अप दीजिए, आप इसको शेयर कीजिए। अगर ये टिप्स आपको लगता है किसी की मदद कर सकते हैं तो प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब और फिर एक बेल बटन भी दबाइए ताकि हर बार, हर हफ्ते जब मैं पोस्ट करती हूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।